सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। लोगों ने साथ नहीं दिया तो अफसोस मत करना, ख्वाब आपके हैं तो कोशिश भी आपकी ही होनी चाहिए। हर सुबह ये ना सोचो कि कल क्या हो सकता था, बल्कि ये सोचो आज क्या बेहतर किया जा सकता है। बोली बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, घमंड बता देता है कितना पैसा है, और संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है। आज का पंचांग 16 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि रात्रि 1:13 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। स्वाति नामक नक्षत्र शाम 7:35 तक रहेगी। इसके उपरांत विशाखा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 7:53 से 9:20 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 10:40 से 12:25 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर ब्रह्मचारिणी देवी की आशीर्वाद बना रही। मिथुन राशि 16 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार, ज्ञान को बढ़ाने और अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित करने के अवसर मिलने से आप उत्साहित हैं। एक सलाहकार की तलाश करें जो आपको सही गलत के बारे में बता सकते हैं। राजनीतिक संबंध आपको अच्छे भाग्य की तरफ ले जाएंगे। आपके सितारे बताते हैं कि आज आपको हर स्थान पर सुखद अनुभूति होगी। ये इस महीने के बेहतरीन दिन है। आप ऊर्जा से भरपूर होंगे और अपने प्यार के भी करीब महसूस करेंगे। प्रियजनों के साथ समय बिताएं और अपने काम पर भी ध्यान दें। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। रोजमर्रा की उबाऊ दिनचर्या से राहत पाने के लिए कुछ रचनात्मक गतिविधियों पर भी समय व्यतीत करें, इससे मन प्रफुल्लित रहेगा। नए नए संपर्क बनेंगे और उनके मार्गदर्शन से कोई समस्या भी दूर होगी। परिवार में कोई मांगलिक आयोजन की योजना भी बन सकती है। अवसरों पर ध्यान दें और धीरे धीरे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। काम से संबंधित रखा लक्ष्य पूरा होगा। व्यक्तिगत जीवन में जो लक्ष्य रखे हैं वह बदलेंगे। आपको अपनी कमियां खोजनी होगी। खुद पर फोकस रखेंगे तो सोच में सुधार हो सकता है। काम संबंधित समस्या दूर करने के लिए प्रभावशाली लोगों का साथ मिलेगा और नियम कायदों से संबंधित निर्माण तकलीफ दूर होगी। रिलेशनशिप से जुड़ी हर एक बात की परख सही तरीके से करें। नया पार्टनर जीवन में आ सकता है। सेहत ठीक रहेगी, तनाव के कारण सिर दर्द भी हो सकता है, ख्याल रखें। सावधानियां, किसी भी नकारात्मक स्थिति विवादित मामलों से अपने गुस्से पर काबू रखें और धैर्य से समाधान ढूंढें। कोई भी सरकारी कार्य निकलवाने के लिए अनैतिक गतिविधियों का सहारा न लें। विद्यार्थी वर्ग को अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। बात करते हैं लव लाइफ की। अपने जीवन साथी से विवाद या मतभेद की स्थिति में आपकी माता आपके लिए क्यूपिक का काम करेगी। साथी के भाई बहन के साथ आप एक अलग ही बांड महसूस करेंगे। अगर आप अकेले हैं तो सपनों की रानी या राजा से मिलने की संभावना दिख रही है। संकट दुर्घटना आदि से सावधान रहें। अगले कुछ दिन आपके सबसे खुशी से भरे दिनों में से एक है। आज आप अत्यधिक ऊर्जावान और उत्साहित महसूस करेंगे। आप खुद को अपने परिवार के करीब पाएंगे। प्रेम का इजहार करने में पीछे न रहें। प्यार भी तभी आनंददायक हो सकता है जब आप अपने साथी को बता सके कि आप वास्तव में उसे पसंद करते हैं। बात करते हैं करियर की। आपके कार्यस्थल में विदेशी व्यापार या यात्रा की संभावना है और आप कुछ रोचक लोगों से भी मिल सकते हैं। अपने अधिकारी व मालिक को प्रभावित करके आप अपने परिवार में चार चांद लगा सकते हैं। अपने व्यापार नौकरी के अगले चरण की योजना बनाने के लिए साहसिक, समझदार और दृढ़ बने। आज परिवार और अपने प्रियजनों के करीब आएंगे। आपने घर और काम को अच्छे से संतुलित किया है, लेकिन अपने लोगों के साथ समय बिताना ना भूलें। आज का दिन आपके लिए महीने का सबसे अच्छा दिन है, इसका मजा लें। याद रखें, विचार और योजनाएं तब तक असफल नहीं होती
जब तक आप प्रयास नहीं करते। बात करते हैं सेहत की। छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं बन रही है तो थकान रह सकती है, इसकी वजह से शारीरिक कार्य क्षमता में भी कमी आएगी। सेहत ठीक रहेगी, तनाव के कारण सिर दर्द भी हो सकता है, ख्याल रखें। आज का उपाय, आज अब माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।